बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चैप्टर नंबर 2 सेलेशियल स्फीयर। और इसके लिए हम जो टेक्स्ट बुक यूज़ कर रहे थे वो थे स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी बाय WM स्मार्ट। इसका हम 6th एडिशन यूज़ कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी प्रॉब्लम नंबर 12। प्रॉब्लम नंबर 12 में आपसे कहते हैं कि इफ़ द ऑब्जर्वर इंक्रीज हिज लैटिट्यूड, यानी जो ऑब्जर्वर है वो अपना लैटिट्यूड को इंक्रीज करता है बाय एन अमाउंट ऑफ डेल्टा फाई, यानी यूँ समझ लें कि इनिशियली उसका जो लैटिट्यूड है वो फाई है एंड देन वो कुछ टाइम के बाद अपना लैटिट्यूड चेंज करता है, तो चेंज इन लैटिट्यूड जो हो जाएगा वो डेल फाई हो जाएगा। व्हाइल द आवर एंगल ऑफ अ स्टार इंक्रीज बाय डेल एच, और बहुत सिंपल सी बात है कि जिसकी वजह से चूंकि इसका लैटिट्यूड चेंज होगा तो इसकी वजह से जो आवर एंगल है उस आवर एंगल के अंदर भी चेंज आ जाएगा और वो चेंज कितना होगा, डेल्टा एच हो जाएगा। शो दैट द चेंज इन लैटिट्यूड, सॉरी शो दैट द चेंज इन ऑल्टीट्यूड, तो वो आपसे कहते हैं कि शो करना है आपने कि ऑल्टीट्यूड, यानी ऑल्टीट्यूड का मतलब है स्मॉल ए, राइट। तो चेंज इन ऑल्टीट्यूड यानी डेल्टा ए की, जो डेल्टा ए की जो वैल्यू है वो ये है। वापस से प्रॉब्लम पढ़ते हैं। प्रॉब्लम में आपसे कहते हैं कि अगर ऑब्जर्वर जो है वो अपना लैटिट्यूड चेंज करता है, इस लैटिट्यूड को चेंज करने की वजह से इसकी आवर एंगल में चेंजेस आ जाएगी, तो हमने यहाँ पर यह शो करना है कि इसके जो ऑल्टीट्यूड के अंदर चेंजेस हैं वो इसके इक्वल है। तो इस प्रॉब्लम को हम ट्राई करते हैं और सीखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को किस तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए जी, इसके सोल्यूशन पर चलते हैं हम। स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी में जो सेलेशियल स्फीयर है इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और आपको जो चीज़ प्रूव करनी है आपको उस पर अब कॉन्सेंट्रेट करना होता है, क्योंकि नॉर्मली प्रूव वाले क्वेश्चन में ये देखना होता है आपने कि किस तरीके से, यानी कौन सा फार्मूला यहाँ पर लगाया जाए कि ये क्वांटिटी प्रूव हो जाए, तो इसमें ये बातें बहुत अहमियत रखती हैं। तो पहला काम तो हम यहाँ पर ये करने वाले हैं कि हम एक ऐसा फार्मूला लगाने वाले हैं अपनी स्फेरिकल ट्राइंगल के ऊपर जिसके अंदर फाई ए एच और फाई वगैरह, यानी मैक्सिमम, यानी इसमें से मैक्सिमम वैल्यूज इसके अंदर इन्वॉल्व हों। तो अब हम इसको देखते हैं। हेयर वी विल यूज फॉर्मूला विच कंटेन जिसके अंदर ए मिल जाए हमें, कैपिटल ए, फाई, आवर एंगल एंड डेक्लिनेशन वगैरह की वैल्यूज मिल जाए यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। अगर ये सब मिल जाते हैं सो वी हैव टू शो दैट, तो अब हमें शो क्या करना है, हमें ये शो करना है कि जो चेंजेस हैं इसके ऑल्टीट्यूड के अंदर वो चेंजेस बेसिकली डेल फाई cos a माइनस डेल एच साइन ए एंड cos फाई के इक्वल है, ठीक है जी। तो ये हमने प्रूफ करना है इसके लिए। तो अगेन यकीन इस प्रॉब्लम को करने के लिए हम अपनी उसी स्फेरिकल ट्राइंगल की तरफ चलेंगे जो स्फेरिकल ट्राइंगल हम आपके साथ पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम अपनी ट्राइंगल को फॉर्म कर लेते हैं। ये आपके पास P बन जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास Z, और सपोज कीजिए कि ये है आपके पास कोई स्टार एक्स, तो ये हमारे पास ट्राइंगल कंप्लीट हो गई। अगर इसमें में भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है वो मेरे लेक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। जी जनाब, तो ज़रा वैल्यूज बताइए कि ये पी और जेड क्या हो जाएगा। बेसिकली ये आपको पता है ये 90 डिग्री माइनस फाई के इक्वल होता है। जी और एक्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, ये बेसिकली इसका जेनिथ डिस्टेंस है जो इक्वल होता है 90 डिग्री माइनस ए के इक्वल होता है, ये मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ। पी पर इसका जो एंगल होता है उसे हम आवर एंगल एच कहते हैं। यहाँ पर जो जेनिथ के साथ जो बनता है वो एंगल ए होता है जिसे हम कहते हैं एजिमुथ, और ऑफ कोर्स के ये बन जाता है 90 माइनस डेल्टा, ठीक है जी। तो ये मैं ट्राइंगल के मुताबिक पहले भी बता चुका हूँ आपको। तो अब हमने इस ट्राइंगल के ऊपर एक ऐसा फार्मूला अप्लाई करना है जिसके अंदर मैक्सिमम वैल्यूज़ हमें यहाँ पर मिल जाए। तो अगर हम इसके ऊपर फाइव पार्ट फार्मूला अप्लाई करें, तो यहाँ पर हमें अपना मतलूबा रिजल्ट मिल सकता है। तो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं बाय अप्लाइंग
फाइव पार्ट फार्मूला, और ये आसान है, बहुत बहुत आसान है। इसे फाइव पार्ट फार्मूला भी कहते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे लगते हैं। और हम इसे साइन कोसाइन फार्मूला भी कहते हैं, तो आप इसे जो चाहें, दिस इज कॉल्ड साइन साइन कोसाइन फार्मूला, राइट। अब ये साइन कोसाइन फार्मूला कैसे अप्लाई होता है, मान लें कि हम इसे वन का नाम दे रहे हैं, इसे हमने यूज़ करना होता है, और इसे हम टू का नाम दे रहे हैं, ठीक है जी। हम यहाँ से इसको स्टार्ट देना चाहते हैं, तो ये साइन कोसाइन फार्मूला इस तरह लिखा जाता है कि पहले आपने लिखना होता है साइन के साथ इस वन वाले एंगल को, यानी ये बन जाएगा 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है जी। फिर आपने कॉस के साथ जो इसके बिल्कुल एडजेसेंट होता है एंगल, उसे लिखना होता है, ये बन जाता है कॉस ए, ठीक है। और फिर इसके बाद आपने अपना पुराना वाला कोसाइन फार्मूला ही अप्लाई करना होता है। वो कैसे अप्लाई करना होता है, वो अप्लाई करना होता है इस तरीके से, यहाँ पर लिखा जाएगा कॉस 90 माइनस फाइव, राइट, कॉस 90 माइनस फाइव। फिर इसके बाद लिखा जाता है आपके पास कॉस दिस वन, दिस इज कॉस 90 माइनस डेल्टा। फिर इसी तरीके से माइनस, और सॉरी एक छोटी सी हमने गड़बड़ कर दी है यहाँ पर, ये चूँकि साइन कोसाइन है तो कॉस नहीं आता यहाँ पर, ये एक छोटी सी गड़बड़ यहाँ पर हो गई है। अच्छा, वो यहाँ पर अभी हमने इसको ट्रैक कर लिया जी। तो ये फार्मूला होता है आपके पास, यहाँ पर इस वैल्यू को लिखना होता है अपने साइन के साथ, और ये जो सेकंड एंगल है ये बन जाता है कॉस के साथ, ठीक है जी। फिर माइनस के साइन के साथ आप इसको लिखते हैं कॉस 90 माइनस फाइव, और फिर आप लिखते हैं इसको साइन दिस इज 90 माइनस डेल्टा, और यहाँ पर इनके दरमियान जो एंगल है वो कॉस ऑफ एंगल एच, यानी तकरीबन ये कोसाइन फार्मूले जैसा ही होता है, राइट। तो पहली वैल्यू को साइन के साथ लिखते हैं, फिर कॉस के साथ लिखेंगे, फिर माइनस टाइम कॉस के साथ साथ, फिर साइन के साथ, और फिर इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है एच वो, ये बेसिकली आपका साइन कोसाइन या फाइव पार्ट फार्मूला कहलाता है। तो हमने ये फाइव पार्ट फार्मूला इसलिए यूज़ किया है कि इसके अंदर जो मैक्सिमम इनपुट्स हैं वो वैल्यूज हमें यहाँ पर मिल जाए। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये साइन 90 माइनस ए किसके इक्वल होता है, हम सबको पता है कि ये बराबर होता है कॉस ए के, ये कॉस ए आपके पास एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। इसी तरीके से ये बन जाएगा आपके पास कॉस फाई, और कॉस 90 माइनस डेक्लिनेशन बन जाएगा आपके पास साइन डेल्टा। इसी तरीके से माइनस कॉस 90 माइनस फाई इक्वल होगा आपके पास साइन फाई के, और फिर इसी तरीके से ये इक्वल होगा कॉस डेल्टा एंड कॉस ऑफ एंगल एच, ठीक है जी। तो ये आपके पास बन गया है इक्वेशन नंबर टू, या आप बल्कि सॉरी इसे हमने तो चुके इससे पहले भी कोई इक्वेशन नहीं बनाई, तो ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर वन, ठीक है जी। तो आपने इसके अंदर अप्लाई कर लिया, आप नोट करें कि इसके अंदर स्मॉल ए भी इन्वॉल्व है, ए भी इन्वॉल्व है। और यहाँ पर एक बात मैं आपको प्रॉब्लम में और बताता चलूँ कि जब आपने जो है वो आपने यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये डेल फाई और डेल एच है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपने इसका डेरिवेटिव लिया है यकीन यहाँ पर, ठीक है। तो प्रॉब्लम के अंदर जो चीज़ प्रूफ करनी होती है उससे आपको हिंट भी मिलती जाती है, तो डेरिवेटिव के थ्रू यहाँ पर रेट ऑफ चेंज जनरेट होगा, जिसकी वजह से डेल की वैल्यूज़ आपको यहाँ पर मिलेंगी, देखते हैं तो उसको। अच्छा, इसी तरीके से इसी ट्राइंगल के ऊपर आपने जो है वो कोसाइन फार्मूला अप्लाई कर दिया। नाउ अप्लाइंग कोसाइन फार्मूला, क्योंकि ऑफकोर्स जो चीज़ आपको प्रूफ करनी है उसमें ये सारी वैल्यूज तो नहीं, उसमें से कुछ वैल्यूज आपको नहीं भी चाहिए, तो कोसाइन फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोसाइन फार्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है, इधर ये ट्राइंगल आपके सामने है, हम इसको 90 माइनस ए से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये कोसाइन फार्मूला होता है कॉस ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, कॉस ऑफ 90 माइनस फाइव, मैं कई दफ़ा अप्लाई कर चुका हूँ, एंड देन कॉस ऑफ 90 माइनस डेल्टा प्लस साइन ऑफ 90 माइनस फाइव एंड साइन ऑफ 90 माइनस डेल्टा, और इसी तरीके से बन जाएगा कॉस ऑफ एंगल एच। इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू साइन फाई साइन डेल्टा प्लस कॉस फाई कॉस डेल्टा एंड कॉस ऑफ एच, राइट। तो सपोज करें कि ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर, ठीक है जी, ये है आपके पास इक्वेशन, ये थी आपके पास इक्वेशन नंबर वन। अब यहाँ पर आप नोट करें कि इस प्रॉब्लम के अंदर हम यहाँ तक पहुँच गए हैं
और यहाँ पर आपको ए मिल गया है। तो अब आपको उसका रेट ऑफ चेंज चाहिए ना, तो रेट ऑफ चेंज के लिए आप क्या करने वाले हैं, इस इक्वेशन नंबर टू को आप डिफरेंशिएट करने वाले हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। देखें, जब भी आप प्रॉब्लम को, किसी प्रूफ वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो हमेशा उस प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन पर ज़रूर नज़र रखें आप, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपने अपने फार्मूले और अपनी मूवमेंट करनी होती है। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू फाइ, तो भाई क्या आंसर होगा, मैं डिटेल्स आपको बता रहा हूँ। इसको हम लिखेंगे डी बाई डी फाइ साइन ऑफ ए। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि फाइ का मुझे पता कैसे लगा। अच्छा, आप अपनी प्रॉब्लम में भी देख सकते हैं, अगर फाइ ये जो है वो डिनोमिनेटर में होगी तो राइट हैंड साइड पर आकर वो न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर ये भी समझ आ गया होगा हम इसको फाइ के रिस्पेक्ट से क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर इसको फाइ के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं। तो जी जनाब, कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पर जो डेल्टा है वो तो कांस्टेंट बिहेव करेगा, तो साइन डेल्टा कांस्टेंट हो जाएगा और ये बन जाएगा डी बाय डी फाइ। और ऐसा क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पर जो है वो फाइ और ए, यानी जो हम कह रहे हैं कि जो फाइ है वो बेसिकली फंक्शन ऑफ ए है, राइट। तो इसका मतलब ये कि बाकी सब कांस्टेंट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पर साइन ऑफ फाइ, ठीक है जी। इसी तरीके से यहाँ पर कॉस ऑफ डेल्टा तो कांस्टेंट बिहेव करेगा, और चूंकि यहाँ पर फाई भी है और यहाँ पर जो है वो एच भी है, तो ये जो है वो आपके पास, यानी डेल्टा यहाँ पर कांस्टेंट है, डेल्टा जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट है और बाकी जो है वो बेसिकली कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है। तो ये बन जाएगा डी बाय डी फाई और ये हो जाएगा कॉस ऑफ फाई डॉट कॉस ऑफ एच, ठीक है जी, ऐसे हमने इसको लिख लिया। अच्छा जी, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास कॉस ऑफ ए, दिस इज डी ए ओवर डी फाई, राइट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन डेल्टा कांस्टेंट बन जाएगा और ये हो जाएगा कॉस फाई, प्लस यहाँ पर ये कॉस डेल्टा तो आपका एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पर आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लिया, तो ये बन जाएगा आपके पास कॉस फाई। याद रखना है आपने कि ये इन दोनों का ही फंक्शन होगा आपके पास बेसिकली, तो एच भी आपके पास एज अ वेरिएबल काउंट हो रहा है। तो जब आप जब कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आंसर बनेगा आपके पास माइनस साइन एच और ये ऑफ कोर्स डी एच बाय डी फाई हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस का साइन आ जाएगा आपके पास और जब आप जो है वो कॉस एच को बाहर निकालेंगे और कॉस फाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, ये बन जाएगा कॉस एच एंड साइन फाई एंड देन यहाँ पर ब्रैकेट आपकी क्लोज हो जाएगी, ठीक है जी। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा कॉस ए, आप चाहें तो इसको डेल ए ओवर डेल फाई लिख सकते हैं और ये इक्वल हो जाएगा आपके पास, दिस इज साइन डेल कॉस फाई माइनस, ठीक है जी, ये वाला माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा आपके पास कॉस डेल कॉस फाई साइन एच और ये हो जाएगा डेल एच ओवर डेल फाई। और इसी तरीके से जो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी वो माइनस हो गया और ये वैल्यू इस प्रोडक्ट के इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इन तीनों को साथ लिख लीजिए आप, ये बन जाएगा कॉस डेल कॉस एच एंड साइन फाई, राइट, साइन फाई लिखा हुआ है यहाँ पर। इसको आप फर्दर जब सिंप्लीफाई करेंगे, इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो आपके पास रिजल्ट है ये इसमें इसमें से जो है वो आपके पास, सपोज करें कि ये डेल फाई यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा और यानी यूँ समझे कि आपने इसको शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पर ये जो है वो कैंसिल भी हो जाएगा और आप इसको फाइनली कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे दिस इज कॉस ए डेल ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये आ जाएगा साइन डेल एंड कॉस फाई और डेल फाई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है जी, ये जो है वो डेल यहाँ पर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यूँ समझ रहे हैं आप इसको, और फिर ये आ जाएगा माइनस दिस इज कॉस डेल कॉस एच और साइन साइन फाई और फिर उसके बाद ये हो जाएगा यहाँ पर दिस इज डेल
फाई, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ये जो डेल फाई वाली वैल्यू है, आपने उस डेल फाई वाली वैल्यू को आपने इस तरह लिख दिया, और यानी ये इस वैल्यू के साथ आपने इसको पहले लिख लिया, ठीक है जी। ये आपने पहले यहाँ पर शिफ्ट कर लिया, अब इस वैल्यू को आप बाद में यहाँ पर लिख रहे हैं। तो जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू है उसको आप कैसे लिखने वाले हैं, मैं स्क्रीन को स्क्रॉल कर लेता हूँ जी। तो जो लास्ट में सबसे वैल्यू है वो बचेगी माइनस, दिस इज कॉस डेल कॉस फाई साइन एच एन डेल्टा एच, राइट। तो ये आपके पास बन गई है इक्वेशन, और इस इक्वेशन में आप इसको आप फर्दर कॉस ए डेल ए तो एज इट इज़ है। अब यहाँ पर चूंकि आपको डेल ए चाहिए ना, आपको जो प्रॉब्लम में पूछा गया है कि आपने ऑल्टीट्यूड के अंदर वेरिएशन दिखानी है, तो ये कॉस वाली टर्म तो एक्स्ट्रा है। तो देखिए किस तरह कैंसिल हो रही है यहाँ पर, कि अगर मैं इन दोनों टर्म्स के अंदर से डेल फाई को कॉमन ले लूँ, तो जब मैं डेल फाई को कॉमन लेता हूँ तो ये रिजल्ट बन जाता है मेरे पास कॉस फाई, पहले लिख लें, फिर आ जाएगा साइन डेल, डेल फाई को कॉमन ले लें, माइनस साइन फाई कॉस डेल एन कॉस ऑफ एच, और यहाँ से आपने डेल फाई कॉमन ले लिया, बाकी वैल्यूज एज इट इज रहने दें। दिस इज कॉस फाई, और ये हो जाएगा कॉस डेल एन साइन एच, और यहाँ पर आ जाएगा डेल एच, ठीक है जी। इसको मैं बना रहा हूँ इक्वेशन नंबर ए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बस इस इक्वेशन के अंदर थोड़ी बहुत वेरिएशन लेकर आनी है। अब ज़रा नोट कीजिए कि ये वैल्यू आपको कहाँ पर नज़र आ रही है। देखिए जी, ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर वन में हम ऑलरेडी ये कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है जी। तो ये इक्वेशन नंबर वन की पूरी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है। तो जब आप इसको इक्वेशन नंबर वन से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन से समझ आ गई आपको बात कि यहाँ पर ये जो कम्प्लीट वैल्यू है, ये कम्प्लीट वैल्यू इक्वेशन नंबर वन से डाल दें, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, तो ये बन जाएगा आपके पास कॉस ए डेल ए इज इक्वल टू, जब आप इस पूरी वैल्यू को वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास क्या इक्वल होगा, दिस इज कॉस ए कॉस कैपिटल ए एन डेल फाई, तो यकीनन एज इट इज रहेगा। अच्छा, ये वैल्यू भी आपके पास फिलहाल एज इट इज रहेगी, कॉस फाई एन कॉस डेल साइन एच एन डेल्टा एच, मान लें कि ये इक्वेशन बी बन गई आपके पास, राइट। तो आप नोट करें कि यहाँ पर जो है अब आपके पास कॉस ए सब जगह से कैंसिल हो रहा है, बस यहाँ पर कैंसिल अभी नहीं हो रहा, तो इसको हम थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं। हम इसके ऊपर जो है वो साइन फार्मूला अगर अप्लाई कर लें, उसी हम ऊपर वाले ट्राइंगल के ऊपर अगर हम साइन फार्मूला अप्लाई कर लें, ऑल्सो अप्लाइंग साइन लॉ, जब हम इस ट्राइंगल के ऊपर, ये जो मैंने अभी स्फेरिकल ट्राइंगल के ऊपर परफॉर्म किया है, अगर इस स्फेरिकल ट्राइंगल के ऊपर साइन लॉ अप्लाई कर लूँ, यानी कैसे अप्लाई कर लूँ, दिस इज साइन एच ओवर दिस, साइन एच ओवर 90 माइनस ए और ए अपॉन दिस थिंग, तो इसके अंदर जो वैल्यू आएगी आपके पास वो वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की जा सकेगी। तो मैं जब यहाँ पर साइन लॉ अप्लाई करता हूँ तो ये साइन लॉ बन जाता है आपके पास साइन एच डिवाइडेड बाय दिस इज साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए डिवाइडेड बाय साइन 90 डिग्री माइनस डेक्लिनेशन, ठीक है जी। तो देखिए इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये बन जाएगा आपके पास, ये जो वैल्यू है आपके पास, ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी आपके पास, दिस इज साइन एच डिवाइडेड बाय कॉस ए इज इक्वल टू साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस डेल, ठीक है जी। और अगर आप इसको क्रॉस में लिखें तो क्रॉस में कैसे लिखेंगे, क्रॉस में लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास साइन एच एन कॉस डेल इज इक्वल टू साइन ए एन कॉस ए, राइट। ये बन गई आपके पास, हम इक्वेशन कौन सी फॉर्म कर चुके हैं, आई थिंक इक्वेशन नंबर टू फॉर्म कर चुके हैं, तो ये आपके पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर थ्री। आप चाहें तो उसको इक्वेशन थ्री दे दें, नहीं तो नो इशूज़, उसको इक्वेशन नंबर थ्री दे दें। अब अगर आप यहाँ पर नोट करें तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि ये जो आपके पास वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, ये जो वैल्यू है आपके पास, ये देखिए, ये ज़रा इस वैल्यू पर गौर कीजिए, ये वैल्यू, तो ये लिखा हुआ है आपके पास साइन एच एन कॉस डेल, तो
तो साइन एच एन कॉस डेल की जगह पर जो है इसको आप कहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, इन इक्वेशन नंबर बी में डाल दें। तो फाइनली जब आप इसको इक्वेशन नंबर बी के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। तो फाइनली आपका रिजल्ट आएगा कॉस ए डेल ए इज इक्वल टू, मैं स्क्रीन स्क्रॉल कर लेता हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाए, और ये इक्वल हो जाएगा आपके पास फाइनली कॉस ए कॉस कैपिटल ए डेल फाई माइनस कॉस फाई तो एज इट इज़ रहा, और यहाँ पर आ जाएगा साइन ए एंड कॉस ए एंड डेल्टा एच। अब अगर आप नोट करें तो कॉस ए कॉस स्मॉल ए कॉस स्मॉल ए तमाम जगहों से कैंसिल हो गया। जब ये तमाम जगहों से कैंसिल हो गया तो फाइनल जो आपका रिजल्ट आया वो रिजल्ट आया डेल ए इज इक्वल टू कॉस ए डेल फाई माइनस कॉस फाई साइन ए एंड डेल्टा एच। और अगर आप नोट करें तो एक्चुअली यही वैल्यू आपको प्रूव करनी थी, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी प्रूव हो गई, राइट। तो इस तरीके से हम अपने रिजल्ट को, यानी हम ये बता सकते हैं कि जो ऑल्टीट्यूड के अंदर वेरिएशन है वो बेसिकली ये है, और यही रिजल्ट आपने यहाँ पर प्रूव करना था। तो उम्मीद है कि ये स्टेप बाय स्टेप मैंने इस प्रॉब्लम नंबर 12 को ट्राई किया, यहाँ पर ये प्रॉब्लम आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रॉब्लम आपको समझ आ गया है तो इसको ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और अपने अपने कमेंट्स ज़रूर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।